हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ताजा जानकारियां मिलती रहें। सबसे पहली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, जैसे कि राज्य सरकारों की ने सोचा है कि वे परीक्षाएं रद्द कर दें कोरोना वायरस के चक्कर में, लेकिन यूजीसी ने ये परीक्षा रद्द करने के लिए उनकी मनमानी नहीं चलने दे रही। ये लाइव अपडेट है जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, तो ध्यान से सुने आखिरी तक कि क्या लाइव अपडेट है। यूजीसी गाइडलाइन फॉर एग्जाम 2020 लाइव अपडेट, राज्य सरकारों पर कार्रवाई कर सकती है यूजीसी। एमपी का यू टर्न, देखे जानकारी। जो एमपी ने भी ये सोचा था कि वह परीक्षा नहीं लेगी, तो उन्होंने भी अब जैसे यूजीसी की न्यू गाइडलाइन लेटेस्ट न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यह फैसला लिया है कि वह परीक्षाएं कराएंगी। और इसी टाइप से हरियाणा और जो और राज्य हैं जैसे दिल्ली, उन्होंने ये सोचा है कि वे परीक्षाएं नहीं कराएंगे। तो आप देखिए आगे क्या है इस न्यूज में, आपको मैं अच्छे से बताती हूँ। तो यूजीसी के मुताबिक परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों में आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है और ये क्षमता प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक सर्वेकर्ता के लिए आवश्यक है। जैसे सब लोग लगे हैं यूजीसी गाइडलाइन 2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षाएं जो है सितंबर तक आयोजित की जा सकती हैं, लेकिन लाइव न्यूज जो अपडेट हो रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द करने वाले राज्यों के मद्देनजर कहा है कि राज्यों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है और आयोग के पास कार्रवाई करने की शक्ति है। यूजीसी उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। राज्य विश्वविद्यालयों को संशोधित निर्देशों का पालन करने के लिए कहते हुए यूजीसी ने कहा कि राज्य कानूनी रूप से दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एचआरडी सचिव अमित खरे ने कहा है यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 12 के अनुसार राज्य सरकारें यह निर्णय नहीं ले सकती हैं और स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त जो राज्य हायर एजुकेशन की वर्तमान सूची में है यूजीसी और एआईसीटी के निर्देशों को लागू किया जाना चाहिए, यह अधिनियम में है। दरअसल हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य के अधीन आने वाले सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एग्जाम रद्द कर दिए थे। कोरोना वायरस महामारी के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के फाइनल ईयर के एग्जाम रद्द कराने को लेकर पीएम को एक लेटर भी लिखा था। जैसे मैंने आपको पिछली न्यूज में बताया था, उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने और भविष्य में बचाने के लिए आग्रह करता हूं। केजरीवाल के वादे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी प्रधानमंत्री को आग्रह किया कि वे एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी से सलाह दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए टर्मिनल कक्षाओं के अनिवार्य परीक्षा आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। और यूजीसी की गाइडलाइन जो है वो क्या है, यहाँ पर देखिए, समीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय के जो उन्होंने बहुत सी बैठक की थी और कहा था कि टर्मिनल एग्जाम जो अंतिम वर्ष के एग्जाम है वो होने चाहिए, बेशक वे ऑनलाइन कराएं, ऑफलाइन मोड में कराएं या जैसे भी कराएं, और सितंबर तक पूरे हो जाने चाहिए। और शैक्षणिक मूल्यांकन हर शिक्षा प्रणाली में एक बहुत जरूरी माइलस्टोन है। परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों का आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। यह क्षमता प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। तो ये है यूजीसी लाइव अपडेट। अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो और आगे लाइव अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताएं आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।